नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्वालियर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन भरसक कोशिश कर रहा है। दो दिन पहले ही ग्वालियर देहात एडिशनल एसपी जयराज कोवेर ने पुलिस प्रशासन को कोरोना कर्फ्यू पालन कराने के लिए सख्ती से निर्देश दिए थे। वहीं एडिशनल एसपी जयराज कोवेर, डबरा एसडीओपी विवेक शर्मा के निर्देशन में बिछोड़ थाना प्रभारी रमेश साक्य दलबल को साथ लेकर सड़कों, गलियों, मोहल्लों में भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया। इसी दौरान 5 दुकानदार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। सभी 5 दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 और अन्य धाराओं के अंतर्गत बिछोड़ थाना प्रभारी रमेश साक्य के द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया और आवागमन कर रहे ऑटो सवारी वाहनों को रोक कर थाना परिसर में रखवाया गया, चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ग्वालियर कलेक्टर के आदेश अनुसार अब कोई भी किराना दुकान, शादी समारोह और ऑटो रिक्शा सवारी वाहन के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी गई है। डबरा से संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अभी तक 5 लोगों पे धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें किराना, दूध डेयरी एवं एक मोबाइल की दुकान है। जैसे देखा जा रहा है संशोधन आपसे कलेक्टर महोदय के द्वारा आ गया है, फिर भी लोगों की आवाजाही पर चालू है बराबर, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कलेक्टर महोदय द्वारा नए उसने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें किराना दुकानें प्रतिबंधित की गई है एवं सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित किया गया है, जिस पर चेकिंग लगा करके कार्रवाई की जा रही है और लगातार भ्रमण। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।